हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मासूम जफर और आपका स्वागत है हमारे किंगेस एजुकेशन चैनल। ठीक है तो बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 4th ऑफ फिजिक्स जो हम 12th क्लास का कर रहे थे, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टेट्स फर्स्ट, जो कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। ठीक है तो उसमें हमने क्या किया था, लेक्चर पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें कि मैंने चार्ज के ऊपर बताया था, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ बताई थी, चार्ज कैसे कैसे क्या है या फिर मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है, किसी बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, इस तरीके के मैंने मतलब सारी चीज़ बता दी थी और कैसे ट्रांसफ़र होगा, मतलब कि चार्ज ट्रांसफ़रेबल है या नहीं है, मतलब कि पॉइंट चार्ज, चार्ज ऑन अ कंडक्टर, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अभी तक जिन्होंने भी नहीं देखा है वो लेक्चर, प्लीज़ पहले जाके वो 3 लेक्चर देखें जो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने डाल दिया, पहले वो लेक्चर देखें जाके, उसके बाद यहाँ पर आए तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले कूलम्स लॉ। कूलम्स एक साइंटिस्ट था जिन्होंने फिजिक्स को कुछ दिया है, जैसे कि और उन्होंने दिया था उसी तरीके से कूलम था जिसने कि कुछ दिया। तो जैसे कि मैंने चार्ज के बारे में बताया था, तो अगर चार्ज प्रेजेंट होगा कहीं पे अगर चार्ज प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे कि मान लो कि अगर एक रिंग में, जो WWE का रिंग होता है, उस रिंग में मैं ब्रोक लेसनर और इसको क्या बोलते हैं, अंडरटेकर को उतार दूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, क्या वो ऐसी रिंग में खड़े रहेंगे या फिर कुछ होगा? पक्का है कि लड़ाई तो होगा वहाँ पे, या तो लड़ाई हो जाएगा या तो वो दोस्त दोस्त बन जाएंगे, मतलब कुछ तो होगा, होगा ना। तो इसी तरीके से कूलम्ब ने पता लगाया था बाई यूजिंग टॉर्सनल बैलेंस, इनसाइड में दे रखा ट्रांसलेंट बैलेंस यूज करके उसने क्या मेजर किया था, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, मतलब कि अलोंग द लाइनिंग जॉइनिंग द टू चार्जेस, उनके बीच में फोर्स का पता लगाया था कि मतलब कि अगर दो चार्ज है तो उसके बीच में फोर्स होगा, यह पता लगाया था किसने, कूलम्ब ने। किसने लगाया था, कूलम्ब ने यह पता लगाया था। मान लो कि अगर एक कोई मास्ड बॉडी है, मास्ड बॉडी या वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब कि अगर छोटे साइज का बॉडी है तो हम उसको एज अ क्या कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, एज अ पॉइंट चार्ज, एज अ पॉइंट चार्ज, मतलब कि ये एक बॉडी है, इसके पास मास है, चार्ज भी है, तो हम इसको बॉडी नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है ये, तो इसके साइज़ को हम नेग्लेजिबल कर दें, साइज़ को नेग्लेजिबल करके हम साइज को इग्नोर कर दिया और हमने इसको क्या मान लिया, पॉइंट चार्ज, क्या मान लिया हमने, पॉइंट चार्ज, ऐसा मान लिया। तो ये बात थी। ठीक है तो हम चलते हैं अपने लेक्चर पे, तो आज जो हम करने वाले हैं उसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ते हैं, कूलम्ब्स लॉ करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो अच्छे से समझना, बाकी NCERT है, NCERT को पढ़ो। ठीक है चलते हैं हम अपने कूलम्ब्स लॉ पर, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब बाबा ने एक लॉ दिया था इलेक्ट्रोस्टेट, कूलम्ब्स लॉ, ये क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लो कि हम एक चार्ज मान लेते हैं, एक ये चार्ज है Q1 मान लेते हैं इसको, एक ये चार्ज है Q2 मान लेते हैं, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो R मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम, इन दोनों के बीच का सेपरेशन R है। अभी क्या करेगा, मान लो कि ये दोनों प्रेजेंट है, मतलब कि मैंने दोनों पॉजिटिव ले लिया, एक पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कि नहीं, मतलब कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स, ये इसके ऊपर फोर्स लगाए इस तरफ लगाए F12, फोर्स ऑन वन बाय टू, पहले पे लग रहा है बाय दूसरे चार्ज के, इधर फोर्स ऑन टू बाय वन,
फोर्स ऑन टू बाई वन, आए समझ में? ये समझ में आया, मतलब कि दो चार्ज एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो कुलम्ब बाबा ने क्या कहा था, कुलम्ब ने मतलब कि ऐसे लोग ना इतने शांत नहीं रहते, ये कुछ ना कुछ कर देते। उन्होंने पता लगाया कि ये जो दो चार्ज है ना, इन दोनों चार्ज के बीच कुछ तो हरकत हो रही है। तो वो हरकत क्या था, फोर्स था। उसने बताया कि ये जो चार्ज है ना, इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा, मतलब कि इन दोनों के बीच जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, इन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके बीच फोर्स लग रहा है। इसी लाइन ज्वाइनिंग पे क्या लग रहा है, इस लाइन ज्वाइनिंग पे फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो उसने क्या बताया कि जो फोर्स है, जो फोर्स ये चार्ज लगा रहे हैं वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। मतलब कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वन एंड क्यू टू, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट था और अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, तो इस दोनों के हिसाब से ये आ गया। अब इसकी प्रोपोर्शनलिटी हटा दें तो एफ इजक्ल्स टू के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये आया हमारा कूलम्ब्स फोर्स। कूलम्ब फोर्स यही कहता है, बाय यूजिंग टॉर्शनल बैलेंस, मतलब कि ये यूज करके क्या बताया था इसने, फोर्स बताया था, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स बताया। तो क्या निकला, फोर्स इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे के क्या है, के है अपना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्या है के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको हम क्या लिखते हैं, इसका वैल्यू क्या है, इधर लिख दूं, के इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, के को हम लिखते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर न्यूमेरिकली नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन, नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन। इसका क्या होगा, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसको मिटा दूं इसको, जैसे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर कैसे, ये मान लेते ये है, मतलब कि फोर्स इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स किससे, फोर्स का यूनिट न्यूटन, कूलम्ब का सॉरी चार्ज का कूलम्ब, इसका भी कूलम्ब, मतलब कूलम्ब स्क्वायर, और डिस्टेंस का मीटर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, इसका निकालना है, ऊपर गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ये के का यूनिट आ गया। आए समझ में, ये था के का यूनिट। लेकिन फोर्स का यूनिट यहाँ पे क्या होगा, फोर्स का क्या होता है यूनिट, न्यूटन होता है ना। लेकिन अगर हम सीजीएस की बात करें, पहला सीजीएस सिस्टम में, तो के बराबर क्या होता है, वन इन एयर, एयर क्या है, एयर में के का वैल्यू क्या है, वन। तो क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर डाइन, ये हो गया क्या फोर्स।
किसमें? सीजस यूनिट में, ऐसे समझ में, सीजस यूनिट में हो गया। और ऐसा यूनिट तो है यूनिट, मतलब कि जो यहाँ पे है 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10^5 डाइन, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10^5 डाइन, ऐसे समझ में, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10^5 डाइन हो गया। यह तो फोर्स का यूनिट आ गया। अब यहाँ पे एक और आता है k इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट मिटा दूं ये वाला, क्या आता है k इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, आए समझ में। यह है अपना एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू क्या होता है? 8.85 × 10^-12। और इसका वो क्या होगा, यूनिट क्या होगा एप्सिलॉन नॉट का? अब यहाँ पे इसे देख रहे हैं हम, 1/4 क्या है, ये तो कांस्टेंट है, इसका क्या यूनिट? ये कांस्टेंट हो गया ना, इसका मतलब कि जो के है वो इन्वर्सली है, इन्वर्स है किसका, 1/ε0 का। तो इसको मैं इधर कर दूं, ε0 को इधर करके के इधर कर दिया, और के का क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, क्या हो गया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आ गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, आए समझ में। तो ये है फोर्स, आए समझ में ना, ये फोर्स है कूलम फोर्स। कूलम फोर्स हो गया। अब इसके बाद है कि वैलिडेशन क्या है कूलम्स लॉ का, कूलम्स लॉ का वैलिडेशन क्या है, मतलब कि अच्छा उससे पहले एक और चीज, उससे पहले एक और चीज क्या है कि चार्ज, अगर कोई बोले कि 1 कूलम चार्ज क्या है, मैं ये मिटा दूं, मिटा देता हूं, हो गया, समझ में आ रहा है। तो अगर कोई बोले कि 1 कूलम चार्ज क्या है, तो 1 कूलम चार्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 कूलम चार्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 कूलम चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे? ये डिफाइंड होगा कि मतलब किसी भी चार्ज को अगर हम वो करते हैं, रखते हैं, कहने का मतलब है कि एक चार्ज है, मतलब कि 1 कूलम चार्ज इज डिफाइंड एज द चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, अनदर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इन वैक्यूम, इन वैक्यूम प्रोड्यूस फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 9×10^9 न्यूटन। मतलब कि 1 कूलम चार्ज वो है कि अगर कोई चार्ज दूसरे चार्ज से 1 मीटर से सेपरेटेड है, मतलब कि सेम मैग्नीट्यूड, जैसे कि ये क्यू है और ये क्यू है, ये दोनों सेपरेटेड है बाय 1 मीटर, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या हो, कितना होगा,
नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन, नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन। अब जैसे कि देखो मैंने क्या बताया था, जो k का वैल्यू क्या है, नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये था क्या क्या वैल्यू, इसको यहाँ से प्रूव करते हैं। अब मैंने क्या बताया, फोर्स क्या है, नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन। अब वन कूलम चार्ज क्या है, जब कोई दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का वैक्यूम में अगर एक मीटर से सेपरेटेड है तो हम क्या बताएंगे, फोर्स इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर हुआ। अब जैसे कि मैं इसको मिटा दूं तो यहाँ पे फोर्स क्या है, फोर्स का वैल्यू क्या है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है फोर्स, ये नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन न्यूटन, क्यू कितना है, वन कूलम, वन कूलम ही तो है, ये भी वन कूलम है, तो दूसरा चार्ज भी सेम मैग्नीट्यूड का है, इक्वल और सेम मैग्नीट्यूड का है ना, तो वो भी क्या होगा, वन कूलम। तो मतलब कि के इंटू वन कूलम इंटू वन कूलम अपोन में डिस्टेंस कितना है, आर का डिस्टेंस वन मीटर, मतलब कि वन का स्क्वायर वन, ये वन कूलम, वन कूलम कितना हुआ, कूलम स्क्वायर, ये वन मीटर था, वन मीटर स्क्वायर हो गया, हो गया ना। अब वन कूलम, वन कूलम मतलब कि कूलम स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा क्या, के इंटू कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, आया समझ में। तो के का वैल्यू हम निकालेंगे, तो के का वैल्यू कैसे निकलेगा, कूलम वाले को इधर और मीटर वाले को ऊपर, तो नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये किसका वैल्यू आया, के का प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, यह आया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू। क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू, 9 इंटू टेन टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर इक्वल्स टू, आया समझ में। तो ये था चार्ज। दूसरी बात क्या है कि चार्ज के बारे में, मतलब जो कूलम्ब फोर्स है, हाँ ये कूलम्ब फोर्स है, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ चीज़ें पता, जैसे कि मान लो कि अगर इन दोनों चार्ज के बीच में, अगर इन दोनों चार्ज के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक हमने जोड़ दिया, मतलब कि दो चार्ज के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक का केस, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का केस पढ़ रहे हैं हम, डाइलेक्ट्रिक का, तो सबसे पहला क्या है कि अगर डाइलेक्ट्रिक को हम बीच में, मतलब कि दो चार्ज के बीच में अगर हम वो कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं विद डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के, कि उसका डायलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है उसका, के है। और उसको दो चार्ज के बीच में Q1 और Q2 के बीच में अगर हमने उसको क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, तो किस में चेंज आएगा, तो किस में चेंज आएगा, तो जो हमारा फोर्स होगा ना, फोर्स, जो फोर्स होगा क्या हो जाएगा, F अपॉन K, क्या हो जाएगा, F अपॉन K से चेंज हो जाएगा, मतलब कि डिक्रीज हो जाएगा, जो पहले इनिशियल F था, जो इनिशियल फोर्स था वो K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, जैसे हम कोई भी डायलेक्ट्रिक को दो चार्ज के बीच में, अब डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है, K को अगर हम इंट्रोड्यूस करते तो F डैश अपॉन F बाई K हो जाएगा, ऐसे समझ में। तो जैसे कि यहाँ पे अगर F डैश का हम वैल्यू रखें क्या हो जाएगा, K इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन क्या हो जाएगा, ये K क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये वो नहीं है, ये डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ये ऐसे समझ में। तो ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, R डैश का स्क्वायर, क्योंकि F डैश के लिए क्या हो जाएगा, जो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस वेरी कर जाएगा, डिस्टेंस क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा, डिस्टेंस क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आर डैश का स्क्वायर अपॉन एफ क्या है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इंटू के, के क्यू क्यू ये गया, अब इसको ऊपर कर देते हैं आर, ये इसको इधर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर में ये इधर आर डैश का स्क्वायर। तो जो हमारा आर स्क्वायर के, इसको ये कौन सा के है, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला है,
इसको हम कांस्टेंट पे लिख सकते हैं, कांस्टेंट ही लिख लो, डायलेक्टिक कांस्टेंट, मतलब कि डायलेक्ट्रिक मीडियम जैसे ही हमने क्या किया इंट्रोड्यूस किया तो क्या चेंज आएगा, फोर्स में एफ बाई के का चेंज आएगा, तो इससे हम रेडियस का जो हमारा रेडियस क्या जो डिस्टेंस होगा वो कैसे वेरी करेगा, तो आर क्या हो जाएगा आर इंटू के, अब इसका स्क्वायर इसको हटाएंगे इधर, मतलब कि इधर ले गया तो अंडर रूट, तो आर डैश इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर के, तो आर डैश क्या हो जाएगा अंडर रूट, मतलब कि आर अंडर रूट के, मतलब कि इतने टाइम्स चेंज हो जाएगा कौन डिस्टेंस, जो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस होगा वो कैसे चेंज हो जाएगा आर अंडर रूट के टाइम्स, अंडर रूट के टाइम्स चेंज हो जाएगा, आए समझ में। तो ये था डायलेक्ट्रिक मीडियम को जैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे। दूसरा केस क्या है कि अगर इसको मैं यहाँ से उठा के इधर लिख देता हूँ, आर डैश क्या हो जाएगा आर अंडर रूट के। दूसरा क्या है कि अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, मतलब कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड थिकनेस, जो हम थिकनेस बोलते हैं टी, अगर अब जो है थिकनेस भी है इसके पास ऑफ टी, टी थिकनेस है और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अगर इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या होगा, जैसे कि मान लेते दो चार्ज होगा इसके बीच में ऐसे करके हमने डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया तो फोर्स में क्या इजाफा होगा, मतलब कि क्या चेंज होगा, तो फोर्स क्या होगा। सबसे पहले तो जैसे कि हम इसमें देखे थे तो रेडियस में जो डिस्टेंस था हमारा चार्ज के बीच उसमें चेंज आ रहा था वेरी कर रहा था, तो सेम कंडीशन होगा उसके साथ, उसके साथ भी तो डिस्टेंस के साथ ही वेरी करेगा, तो कैसे वेरी करेगा, तो जो आर डैश बन जाएगा ना वो क्या हो जाएगा आर माइनस टी प्लस टी अंडर रूट के, आई समझ में, ये बन जाएगा आर माइनस टी प्लस टी अंडर रूट के, ये हो जाएगा हो गया, ये ऐसे समझ में। तो फोर्स क्या हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर माइनस टी प्लस टी अंडर रूट के का स्क्वायर, इतना टाइम चेंज हो जाएगा, आए समझ में। तो ये क्या था डायलेक्ट्रिक को जैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, अगर थिकनेस वाला करेंगे तो ऐसे चेंज होगा, और अगर ये वाला करेंगे डायलेक्ट्रिक सिर्फ करेंगे जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होगा तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा, आर डैश क्या बन जाएगा आर अंडर रूट के, आए समझ में आ रहा है, बुक से एक बार जरूर पढ़ना ठीक है, बाकी जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी उसके बाद हम चलते हैं क्या वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, इतने नहीं रुका, ये जो कूलम्ब बताता है रुका नहीं, और बढ़ता गया, ये बताता गया और भी चीज़ें बताता है, मतलब कि भर भर के। अब उसके बाद आता है वेक्टर फॉर्म किसका कूलम्ब लॉ का, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। तो मान लो तो क्यू वन चार्ज प्लस क्यू वन चार्ज, ये प्लस क्यू टू चार्ज, इनके बीच में डिस्टेंस कितना आर सेम, ये इसको इधर फोर्स लगाएगा एफ वन टू, ये इधर फोर्स लगाएगा एफ टू वन, अगर ये फोर्स लगाएगा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा आर वन टू इधर से आर टू वन, आए समझ में, ये है वेक्टर फॉर्म, आए समझ। अब वेक्टर फॉर्म क्या करता है, कहता है सेम कंडीशन है जब दो चार्ज के बीच में दो जो चार्ज होगा क्यू वन क्यू टू सेपरेटेड होगा बाय डिस्टेंस आर, तो जो हमारा फोर्स होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, फोर्स वेक्टर फॉर्म में क्या कहता है जो फोर्स होगा वो इक्वल, जैसे कि एफ वन टू इसको माइनस एफ टू वन, एफ वन टू इसको माइनस एफ टू वन, और आर वन टू इसको माइनस आर टू वन, ऐसा समझ में, ये आर वन टू माइनस आर टू वन, ये हमारा क्या है वेक्टर फॉर्म किसका उसका कूलम्स लॉ का।
तो इस हिसाब से क्या होगा, F12 क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लेंगे तो इक्वल होगा, लेकिन हम नहीं ले रहे ना, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं, तो F12 इज इक्वल्स टू F21 माइनस F21, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि F12 को हम लें, F12 तो क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और वेक्टर R12, ये वेक्टर फॉर्म है। अब यहां पे R12 को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, R12 अपॉन R12 का मोड लगा दिया यहां पे, मोड लिख सकते हैं ऐसे, तो क्या हो जाएगा, F12 इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 अपॉन R12 का ये नहीं आएगा, ऐसे समझ में क्या हो जाएगा, F12 का वेक्टर मतलब कि जो फोर्स 1-2 होगा 1/2 फोर्स ऑन 1/2 ये वाला, ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब R12 का, आइए समझ में, आए समझ में, ये F12 सेम होगा, F21 का भी निकालेंगे तो के Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R1 मतलब कि R21 का वेक्टर, ठीक है। तो ये रहा हमारा फोर्स ऑन 2/1, ठीक है। तो F12 जो था वो किसके इक्वल था, माइनस F21 का, मैग्नीट्यूड लेंगे तो दोनों इक्वल होगा। दूसरी बात, एक और चीज़ क्या है, जैसे कि R21 हम लेते हैं, R12 जैसे कि R12 ले लिया, तो R12 मतलब क्या है, R12 को हम और कैसे लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे कि हम इसके ऊपर रख दें तो क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब इंटू R1 माइनस R2 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये था हमारा वेक्टर फॉर्म, किसका, कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के, यही है, ये मोस्टली यही है, सही सारी चीज़ें हैं, उसके बाद कुछ है नहीं। तो अब है कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट हैं जो हमें पढ़ना है, किसके बारे में, कूलम्ब्स लॉ के बारे में, कूलम्ब्स लॉ के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ने हैं, जैसे कि ये मिटा दूं मैं, समझ में आ गया, आ गया समझ में। इसके बाद आता है कि वैलिडेशन क्या है कूलम्ब्स लॉ का, कूलम्ब्स लॉ का वैलिडेशन क्या है। तो सबसे पहला क्या है, नॉट वैलिड फॉर मूविंग चार्ज के लिए नहीं है ये, जो कूलम्ब्स लॉ है वो मूविंग चार्ज के लिए नहीं है, क्योंकि मूविंग चार्ज क्या है, मूविंग चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बहुत प्रोड्यूस करता है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा तो वहाँ पे कूलम्ब्स लॉ लगेगा ही नहीं, मतलब कि वहाँ पे वैलिड नहीं होगा, तो मूविंग चार्ज के लिए ये वैलिड नहीं है। दूसरी बात क्या, दूसरा क्या है, वैलिड टू द डिस्टेंस अबव 10^-15। दिमाग खराब है वे तुम्हारा,
टू द डिस्टेंस अबव 10^-15 मीटर। मतलब कि इससे अबव होना चाहिए, जो ये डिस्टेंस है इससे अबव होगा तभी जाके क्या होगा, वैलिड करेगा। कौन? कूलम्स लॉ। मतलब कूलम्स लॉ का वैलिडिटी क्या है कि डिस्टेंस अप टू, मतलब कि अबव, वैलिड टू द डिस्टेंस अबव 10^-15 मीटर। आया समझ में? ये दूसरा वैलिडेस है। तीसरा क्या है? इट इज अ सेंट्रल फोर्स। क्या है ये? सॉरी, ये क्या है? इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब, मैंने बताया था कि जो फोर्स है उन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। मतलब कि फोर्स ऑन लाइनिंग ज्वाइनिंग द चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस लग रहा है, इसलिए क्या है, सेंटर टू सेंटर। जैसे कि ये चार्ज है और ये चार्ज है, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर में लाइनिंग ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस। मतलब कि इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, कूलम फोर्स, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। सेंटर टू सेंटर लगता है, आया समझ में? सेंटर टू सेंटर लगेगा इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। समझ में आया ना? इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। दूसरा क्या है, ये तीसरा हो गया। उसके बाद क्या है कि अगर हम कंपैरिजन करें, इसको मिटा दूं मैं, इसको ये हो गया तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये तीनों इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। चौथा क्या है, मतलब कि अगर एक और पॉइंट अगर इस मीम्स को जोड़ें तो ये क्या है, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैव ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैव ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, F12 = -F21। ये क्या है? ये ओबे ही तो कर रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ को। इक्वल एंड अपोजिट, माइनस अपोजिट बता रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि एवरी एक्शन हैव ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। F21 = -F, मतलब कि F12 = -F21। तो ये था चार पॉइंट, ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट। आ गया समझ में? हो गया। अब इसका फिर अगर हम फोर्स की बात करें, जैसे कूलम्ब है, ये फोर्स नहीं बताया, फोर्स ही तो बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब कि चार्ज के बीच में लग रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पे हम बात करते तीन, अगर कंपेयर करें फोर्सेस को कंपेयर करें, मतलब कि कंपैरिजन करें। जैसे कि सबसे पहले अगर हम ले लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, तीसरा न्यूक्लियर फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये ग्रेविटेशन। तो जो सबसे वीक कौन सा होता है? ये स्ट्रॉन्ग, और इन दोनों के बीच में ये मीडियम। मीडियम क्या है? इसको वेरी स्ट्रॉन्ग बोल देते हैं हम, इसको स्ट्रॉन्ग। आए समझ में? ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर। अगर हम इसके फोर्स का अगर हम रेशो निकालें इसके फोर्स का, तो क्या निकलेगा? ये 10^1, 10^37 एंड 10^39। ये रेशो है किसका? फोर्स का। आया समझ में ना? ग्रेविटेशनल का 10^1, 10^37 एंड न्यूक्लियर का 10^39। उसके बाद अगर हम रेंज की बात करें इसका रेंज का बात करें, तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स
ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब कि जैसे कि अब देख लो, प्लैनेट बिटवीन प्लैनेट एंड अर्थ, प्लैनेट और अर्थ के बीच में जो लगता है क्या है वो? ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर अर्थ एंड सन के बीच में जो लगता है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। आए समझ में? दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक अबव 10^-15 मीटर एंड टू द 2 few किलोमीटर्स, अगर हम इसको ऐसे कंपेयर करें। आई समझ में? ये है। नेक्स्ट क्या है? ये क्या है? शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स 10^-15 मीटर, मतलब कि 1 फर्मी। आई समझ में? शॉर्ट रेंज फोर्स होता है कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स। ये था कंपैरिजन। आई समझ में? तो ये था हमारे कूलम्स लॉ के ऊपर जितने भी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये हमने कंपैरिजन भी कर दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर फोर्स, यहाँ पे बताया था ये कूलम्स फोर्स अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं किसके अकॉर्डिंग, फोर्स के ऊपर हम एक दो क्वेश्चन देखते करके कैसा है। आ रहे समझ में? बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। बुक को थोड़ा कंसल्ट करना, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2 पॉइंट चार्जेस +3 माइक्रो कूलम्ब एंड +8 माइक्रो कूलम्ब आर एट माइक्रो कूलम रिपेल ईच अदर विद फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, रिपेल ईच अदर विद फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इफ अ चार्ज -5 माइक्रो कूलम आर एडेड टू ईच ऑफ देम देन फोर्स बिटवीन देम विल बिकम, क्या बन जाएगा ऑप्शन? पहला ऑप्शन -10 न्यूटन, दूसरा +10 न्यूटन, तीसरा -20 न्यूटन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज +20 न्यूटन। क्या बन जाएगा करके देखो एक बार, पॉज करके थोड़ा सा कोशिश करो, उसके बाद मैं करवाता हूँ, हो गया। तो देखो अब बोल रहा है कि हमें सबसे पहले कि फोर्स, यहाँ पे फोर्स की बात की गई है ना, तो बोला 2 पॉइंट चार्जेस 3 एंड 8 माइक्रो कूलम, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? के क्यू वन
क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा मतलब अब बोले यहाँ पे क्या है, क्यू वन क्या है, मान लेते क्यू वन 3 माइक्रो कूलम एंड क्यू टू 8 माइक्रो कूलम हुआ ये। अब चेंज होने के बाद जब हमने 5 को जोड़ा तो क्या होगा फोर्स, एफ डैश इक्वल्स टू क्यू इंटू क्यू वन का डैश क्यू टू का डैश अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा ये, होगा कि नहीं। क्यू वन क्या था यहाँ पे प्लस 3 माइक्रो कूलम, इसमें प्लस 8 माइक्रो कूलम हुआ ये। अब क्यू वन डैश क्या हो जाएगा, क्यू वन डैश क्या हो जाएगा प्लस 3 माइक्रो कूलम अब प्लस माइनस माइक्रो कूलम, ये होगा क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना, आर एडेड टू ईच ऑफ देम, ऐड कर दिया क्या आ गया माइनस 2 माइक्रो कूलम आया, माइनस 2 माइक्रो कूलम क्यू वन डैश एंड क्यू टू डैश क्या आ जाएगा प्लस 8 माइक्रो कूलम और माइनस मतलब कि प्लस माइनस 5 माइक्रो कूलम क्या आ जाएगा प्लस 3 माइक्रो कूलम। ये Q2 आ गया Q2 डैश और ये Q1 डैश आ गया ये। अब हम कंपेयर कर दें दोनों को क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं इसको इधर लिख दूं, इसको इधर लिख दूं Q1 डैश कितना है माइनस 2 माइक्रो कूलम, Q2 डैश कितना है प्लस 3 माइक्रो कूलम ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब क्या होगा, जैसे कि F पहले वाला इनिशियल अपोन में फाइनल F डैश इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपोन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय K Q1 का डैश Q2 का डैश अपोन में R स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करें तो कैसे आ जाएगा ये K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन के क्यू वन डैश क्यू टू डैश, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल के से के कैंसिल, क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में Q1 डैश Q2 डैश, क्योंकि के इक्वल है और रेडियस भी इक्वल है, मतलब कि जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल ही, वो चेंज थोड़ी ना होगा। ये क्या आ गया F अपॉन F डैश, F कितना है हमारे पास 40 है कि नहीं है, ऊपर कर दूं मैं इसको हाँ यहाँ पे, अगर मैं इसको मिटा दूं क्या आ जाएगा ये 40 अपॉन F डैश इज इक्वल्स टू Q1 Q2, Q1 कितना है 3 माइक्रो कूलम इंटू 8 माइक्रो कूलम अपॉन में Q1 डैश Q2 डैश, Q1 डैश कितना है माइनस 2 माइक्रो कूलम, माइनस 2 माइक्रो कूलम इंटू क्यू टू डैश प्लस 3 माइक्रो कूलम हो गया ये। अब क्या होगा, अब इसको काट दें 3 माइक्रो कूलम 3 माइक्रो कूलम गया, माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम 2 1 2 2 4 8 आया ये माइनस, अब इधर आ जाएगा एफ को इधर कर देते हैं क्या आ जाएगा ये माइनस, इधर माइनस 40 फोर ऊपर था नीचे आया 4 इक्वल्स टू एफ डैश, 4 1 4 क्या आ गया एफ डैश इक्वल्स टू माइनस 10 न्यूटन, एफ डैश क्या बन जाएगा हमारा माइनस 10 न्यूटन, इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन। ऐसे समझ में, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहले ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लिख लो जो कि अब करके लाना, मतलब कि कमेंट करने के बाद कमेंट कर देना आंसर, उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा जब मैं वह बता दूंगा इसका आंसर ठीक है। तो होमवर्क के तौर पे लिख लेना होमवर्क ठीक है। तो क्वेश्चन तो है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 1 माइक्रो कूलम्ब एंड प्लस 5 माइक्रो कूलम्ब आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, व्हाट विल
बी द रेशो ऑफ देयर फोर्सेस बिटवीन देम। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1:5, दूसरा ऑप्शन है 1:25, तीसरा ऑप्शन है 1:1 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 1:2, क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये है, ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है। एक बार करके, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बता देना। ठीक है, उसके बाद मैं देख लूँगा क्या आंसर सही है, नहीं तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा इसका कैसा है, कैसे बनेगा। ठीक है, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा कूलम्स लॉ। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये सब है, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपने, नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो बोर ना लगे इसलिए इतने में काफ़ी है। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।